बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मोहम्मद सईद आपके साथ ग्रीनलैंड एक्सप्रेस की न्यू कोचेज़ जो चाइना से आई हैं उसकी इकोनॉमी क्लास का रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ ग्रीनलैंड एक्सप्रेस का ट्रेन रिव्यू भी शेयर कर चुका हूँ और उसके बाद पार्लर कार और एसी स्टैंडर्ड का रिव्यू मौजूद है। आज के आप इस रिव्यू में देख सकेंगे कि क्या सहूलियात हैं, इसका फेयर क्या है, मगर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चाइना से आई न्यू कोचेज हैं व्यूवर्स, आपको इसमें सिर्फ पहले दो तब्दीलियाँ नज़र आएगी। नंबर वन ये कि जो आप चार्जर देख रहे हैं ये हर बर्थ के साथ दिया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि टेबल के नीचे सिर्फ एक या दो पॉइंट दिए हुए होते थे मोबाइल चार्ज करने के लिए। टेबल के नीचे फ़ैन कंट्रोल स्विच दिया गया है, साथ में लाइट स्विच भी है ऑन ऑफ के लिए। डस्टबिन लगा हुआ है। सीट और बर्थ कुशन गुड लुकिंग है, एक नया डिज़ाइन कलर नज़र आ रहा है। फोम जो है वो भी सॉफ्ट है और आपको हर चीज़ जब नई देखने में आएगी तो अच्छी लगेगी। वन पर्सन फेयर फ्रॉम कराची टू लाहौर सीट का 3,550 और बर्थ का 3,650, जबकि 3 से 10 साल के बच्चों का 1,850 रुपये और 3 साल तक के बच्चों का कोई फेयर नहीं है। व्यूअर्स, ये जो मैं आपको फेयर बता रहा हूँ, चाहे वो बड़े अफराद के लिए या छोटे के लिए, इसमें खाना जो है वो शामिल है, जिसकी तफसील मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो फेयर आप देख रहे हैं कराची टू रावलपिंडी है, सीट का 4,100 रुपये, जबकि एक बर्थ का 4,200 और 3 से 10 साल के बच्चे जो हैं उनका 2,150 रुपये। खाने के हवाले से सबसे अच्छी बात ये है, तमाम क्लासेस के लिए जो ग्रीन लाइन में मौजूद हैं, पार्लर कार, बिजनेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड, सबका फूड स्टैंडर्ड, क्वालिटी और क्वान्टिटी सब सेम है। जैसे कि प्रीवियसली आपने सर सैयद एक्सप्रेस में देखा होगा कि वो इकोनॉमी क्लास को बिल्कुल डिफरेंट एक खाना देते थे। इकोनॉमी क्लास कोच में जो अंदर स्क्रीन लगी हुई है एलईडी, उसके अंदर आपको स्पीड और नेक्स्ट आने वाले स्टेशन तमाम इंफॉर्मेशन आप वहां देख सकते हैं। दूसरी कोचेज और इकोनॉमी क्लास में यही एक फ़र्क है व्यूवर्स, ये जो आप कॉम्प्लीमेंट्री किट देख रहे हैं ये इकोनॉमी क्लास के अलावा तमाम कोचेज में दी जाती है पैसेंजर्स को। ये जो आप देख रहे हैं ये इसी स्टैंडर्ड के हर पैसेंजर्स को दी जाएगी। ब्रेकफास्ट जो है वो तमाम क्लासेस का सेम है, जिसके अंदर 2 स्लाइस हैं, मक्खन है, जैम और आमलेट है। आप चाहें तो हाफ फ्राई एग उनसे पहले डिमांड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में साथ वो जूस दे रहे हैं और आपको कॉफ़ी जो है वो 200 रुपीज़ की परचेज़ करना होगी। 5 अप के पैसेंजर्स को सुबह ब्रेकफास्ट और दोपहर को लंच दिया जाता है, जबकि 6 डाउन के पैसेंजर्स को पहले हाई टी होगी और रात को लाहौर के बाद उनको डिनर दिया जाएगा, जिसमें चिकन बिरयानी और ये चिकन कढ़ाई, साथ में दाल और नान शामिल है और एक अदद गुलाब जामुन। जबकि 5 अप के पैसेंजर्स को लाहौर के बाद हाई टी दी जाएगी और 6 डाउन को रावलपिंडी से लाहौर की तरफ, इसमें चाय जो है शामिल है। और ये सब आपके जो ये फूड हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं ये टिकट में शामिल हैं। पूरी कोच और वाशरूम में भी अनाउंसमेंट स्पीकर लगे हुए हैं। अगर आपको वाशरूम में कुछ ज़्यादा देर लग जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट की जाएगी। इकोनॉमी क्लास कोच में टोटल 3 टॉयलेट हैं। कोच की एक एंड पे एक WC दिया गया है, जबकि कोच के दूसरे एंड पे एक WC और एक कमोड लगा हुआ है। अभी सब फिक्सर जो आप लगे हुए देख रहे हैं नए हैं, ये अच्छे लग रहे हैं। कुछ इस्तेमाल के बाद पता चलेगा कि इनकी क्या क्वालिटी है और इनकी क्या हालत होती है। व्यूवर्स, तमाम रिव्यूज़ के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आज का ये ग्रीन लाइन इकॉनमी क्लास कोच रिव्यू पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।